अब खबरें विस्तार से। झारखंड में भाजपा की नई डूबने पर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि भाजपा के अहंकार घमंड पाप का गड़ा भरने लगा है। उन्होंने कहा कि कई राज्य देश में बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं क्योंकि जुमलेबाजों को जनता भी समझ रही है और उन्हें सबक सिखाने के पूरे मूड में है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। राणा ने कहा कि देश अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले अर्थव्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर देश की अर्थव्यवस्था की सत्यानाश करने का भी आरोप लगाया। झारखंड में भाजपा की नैया डूबने पर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के अहंकार घमंड पाप का गड़ा भरने लगा है। उन्होंने कहा कि कई राज्य देश में बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं क्योंकि जुमलेबाजों को जनता भी समझ रही है और उन्हें सबक सिखाने के पूरे मूड में है क्योंकि झूठ के पांव नहीं। राणा ने कहा कि देश अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले अर्थव्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर देश की अर्थव्यवस्था के सत्यानाश करने का आरोप लगाया। देश की जनता देने के मूड में है और उन्होंने शुरुआत कर दी है। कई राज्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है इनकी गलत नीतियों के कारण जो है देश का नुकसान हो रहा है। आज आप ये देखिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। भुखमरी के मामले में 117 मुल्कों में से हमारा 102 पायदान पर पहुँच गया है। आज आप ये देखिए कि अर्थव्यवस्था में 4.2 अर्थव्यवस्था रह गई है, उसकी GDP जो रह गई है अर्थव्यवस्था में। पाकिस्तान हमारे से आगे हो गया 5.5%, और श्रीलंका जैसे देश जो हैं वो 6.5 हैं और बांग्लादेश जैसे लोग जो हैं 8.2 हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा की गई टिप्पणी पर विधायक राजेंद्र राणा ने जुवानी हमला बोलते हुए कहा कि जो अपनी सरकार में काम न होने का रोना रो चुके हैं, क्या ऐसे मंत्री तय करेंगे कि किस विधायक का कद बड़ा है और किसका छोटा है। उन्होंने कहा कि मेरा विधायक होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गलत निर्णयों को जनता के सामने रखना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए मुद्दों को उठाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जिस पर वीरेंद्र कंवर को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिलने से ही किसी का कद नहीं नापा जाता है बल्कि जनता के काम करने व मुद्दों को उठाना भी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि राजेंद्र राणा कद देख के बात करें, तो मैंने उनको कहा है कि कद जो है वो एक कैबिनेट मंत्री बन के नहीं बन जाता है। कद कैसा होगा, कद तय करना ये वीरेंद्र कंवर जी ने नहीं तय करना कि कद कैसा होगा। मैं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश का एक विधायक हूँ और विधायक के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है और मैं अपोजिशन में हूँ। अपोजिशन के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार कोई गलत निर्णय लेती है उसको रोकना अपोजिशन का काम है और जनता की आवाज़ को बुलंद करना भी अपोजिशन का काम है। अगर हम लोग जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बेरोजगारी आज भयंकर ज्वलंत मुद्दा है, उसकी आवाज़ नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, सैनिक स्कूल वाला मसला हमने उठाया है और केंद्र सरकार जो गलत नीतियों के कारण इस देश का बंटाधार कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई है, ये सारे जो मसले हैं बेरोजगारी है महंगाई है और इसके अलावा अर्थव्यवस्था का इशू, कई इशू ऐसे हैं जो केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। अगर इन मामलों को बार बार मसलों को उठाया जा रहा है, आज प्रदेश में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार हुए, इन मामलों को हम उठा रहे हैं। तो अगर वीरेंद्र कंवर जी को लग रहा है कि हम क्यों उठा रहे हैं, तो ये वीरेंद्र कंवर जी तय नहीं करेंगे और हमारी आवाज़ को, हमारी जो आवाज़ है जनता की आवाज़, उसको ये दबा नहीं सकते हैं। सपाहा गांव में 2670 कनाल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर गत दिनों पूर्व सीएम धूमल के द्वारा दिए गए बयानों पर सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने ऐतराज जताते हुए कहा कि पूर्व सीएम धूमल को कार्यकर्ता गुमराह करके जमीन दिलाने का श्रेय भाजपा को दे रहे हैं जो कि गलत है। राणा ने कहा कि स्पाहल गांव का मामला कांग्रेस में ही 2016 में वापिस कर दी थी और उक्त फैसले के दौरान में स्वयं मौजूद रहा हूं, लेकिन आज बड़ी हैरानी हुई है जब बीजेपी ने इस मामले को लेकर झूठा श्रेय लेने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक लटकाने के पीछे भाजपा का ही हाथ रहा है। कि जो मामला सपाल गांव का है, ये लगभग 2700 कनाल के जमीन जो है इनको गवर्नमेंट के नाम चली गई थी जमीन, इनको जमींदारों को वापस हुई है और ये आज वापस नहीं हुई है, 2016 में वापस हुई है जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और ये लंबे समय से मामला चल रहा था। SDM कोर्ट जो है सुजानपुर का, उसने फैसला दिया और ये जो फैसला हुआ
ये इस फैसले की जो फैसला सुनाया गया, सपाल गांव में जाकर सुनाया गया, मैं वहां पर मौजूद था। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एप्लीकेशन देते थे कि ये जो मामला है गलत हो गया, गवर्नमेंट की लैंड जो है 2700 कनाल जो है वो जिम्मेदारों को वापस कर दी, इस मामले को डिले करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। और अब जो है सारी प्रक्रिया 329 लोगों को जो जमीन वापस हुई है, क्योंकि इसलिए लंबी प्रक्रिया थी खाते, क्योंकि इसको डीसी को मामला गया म्यूटेशन के लिए, फिर प्रदेश सरकार को गया, लॉ डिपार्टमेंट को गया, अब जाके जो है इंतकाल हुआ है।